आईपीएल 2020 के लिए अगले महीने यानी दिसंबर 19 तारीख को रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बोली लगनी है। इन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग अपनी फेवरेट टीम से खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है ऐसे 3 खिलाड़ी जिन्हें लोग अपनी फेवरेट टीम से खेलते हुए देखना चाहते हैं। हाशिम अमला, जी हां, साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी हाशिम अमला इस वक्त T10 लीग खेल रहे हैं। हाशिम अमला अपनी सूझबूझ भरी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। अमला ने अपना आखिरी आईपीएल 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेला था। उसके बाद हाशिम अमला पर किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई। हालांकि अमला ने 2017 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था और बैक टू बैक 2 शतक जड़े थे। अगर इस बार हाशिम अमला आईपीएल ऑक्शन में शामिल होते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स हाशिम अमला पर बोली लगा सकती है और अपनी टीम में शामिल कर सकती है। युवराज सिंह, जैसा कि आप जानते हैं युवराज सिंह इस वक्त अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। युवराज सिंह ने क्रिस लिन को लेकर यह बयान दिया था कि क्रिस लिन को KKR में खेलते हुए देखना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि KKR ने क्यों क्रिस लिन को अपनी टीम से रिलीज किया। इसके जवाब में KKR के CEO ने युवराज को जवाब देते हुए कहा कि हमने क्रिस लिन को इसलिए रिलीज किया है ताकि हम आपको अपनी टीम में शामिल कर सकें। KKR के CEO के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि युवराज सिंह आईपीएल 2020 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। यूसुफ पठान, जी हां, यूसुफ पठान को उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने इस साल रिलीज कर दिया है और सभी टीमों की नज़रें इस नीलामी में यूसुफ पठान पर होंगी। हालांकि यूसुफ पठान के फैंस तो यही चाहते हैं कि यूसुफ पठान अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में फिर से शामिल हो जाएं और एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरते हुए दिखाई दें। इस नीलामी में यूसुफ पठान पर RCB, किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें बड़ी बोली लगा सकती हैं और अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं। आपके मुताबिक इन 3 खिलाड़ियों को किस टीम में शामिल होना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।